नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति को लेकर। विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, परीक्षा कब होगी, रीट की पात्रता परीक्षा होने के बाद जो आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी वो कब तक उसकी विज्ञप्ति आएगी, और उसके बाद थर्ड ग्रेड भर्ती का जो एग्जाम होगा, जो रीट के बाद मेन एग्जाम होता है, वो कब तक होगा, तमाम चर्चा इस वीडियो में अपने करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर मैं यहाँ आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले रीट पात्रता की विज्ञप्ति को लेकर। तो विज्ञप्ति को लेकर एक एक ट्वीट किया श्री उपेन यादव जी ने, यहाँ पास में स्क्रीन पे लगा देता हूँ। उपेन यादव जी जो पहले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रहे, उसके बाद उन्होंने जो अपने बीजेपी से प्रत्याशी भी रहे विधानसभा चुनाव के अंदर एमएलए के लिए, और उन्होंने ट्वीट किया है, बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी वो हमेशा देते हैं। उन्होंने लिखा कि रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति अगले वीक में जारी हो जाएगी। 26 नवंबर को शिक्षा विभाग की रीट पात्रता परीक्षा को लेकर मीटिंग भी प्रस्तावित है। अगला वीक जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 नवंबर है, अगला वीक 25 से स्टार्ट हो रहा है सोमवार से, और अगले वीक में ये विज्ञप्ति जारी होनी संभावित है। और 26 तारीख को BSER बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन राजस्थान अजमेर, जो इस रीट पात्रता परीक्षा को लेकर नोडल एजेंसी है, BSER आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा रीट पात्रता परीक्षा का, तो उनकी मीटिंग प्रस्तावित है 26 तारीख को। 26 तारीख को रीट पात्रता परीक्षा की तिथि भी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो मदन दिलावर जी अपने शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ट्वीट किया था, और ट्वीट में बताया था कि रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 दिसंबर 2024 से अंतिम तिथि 30-31 दिन होगी, तकरीबन 30 दिसंबर या 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी रीट पात्रता परीक्षा की आवेदन को लेकर। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि फरवरी 2025 में इसका एग्जाम होना प्रस्तावित है। मंथ की जानकारी तो पहले से है, लेकिन एग्जाम डेट एग्जैक्ट नहीं पता। तो 26 नवंबर को इसकी मीटिंग प्रस्तावित है रीट पात्रता परीक्षा को लेकर, और 26 नवंबर को ही एग्जैक्ट डेट जो है वो सामने आ जाएगी। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फरवरी के जो सेकेंड वीक है या थर्ड वीक है, उसके अंदर इसकी जो पात्रता परीक्षा है वो प्रस्तावित है। अब बात करते हैं कि पात्रता परीक्षा होने के बाद रीट की जो मेन एग्जाम जिसके लिए इंतजार किया जाता है, थर्ड ग्रेड भर्ती, वो कब आएगी। थर्ड ग्रेड भर्ती क्या एक मामला है, जो डीपीसी का मामला है वो है सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ। अगर वो मामला नहीं सुलझा, डीपीसी का जो प्रमोशन का मामला है थर्ड ग्रेड टीचर्स का, अगर वो मामला नहीं सुलझा तो थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति बहुत कम पदों पर आएगी, महज 11-12 हजार पद रहेंगे अगर ये मामला नहीं सुलझा। क्योंकि अगर ये मामला सुलझ गया तो प्रमोशन हो जाएंगी थर्ड ग्रेड की, और थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड पर प्रमोशन होने के बाद थर्ड ग्रेड में अच्छी खासी सीटें खाली रह जाएंगी, और डीपीसी का मामला सुलझ गया तो ये भर्ती आएगी कम से कम 30 हजार प्लस पदों पर, और ये मामला ऐसे ही उलझा रहा तो भर्ती आएगी महज 12-13 हजार पदों के ऊपर। और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्दी जल्दी ये मामला सुलझ जाए, और अगर मामला सुलझ गया, शिक्षा विभाग भी इसी का इंतजार कर रहा है कि मामला सुलझ जाए, और शिक्षा विभाग इसलिए इसमें देरी करेगा कि जल्दी जल्दी ये मामला सुलझ जाए, और अगर मामला सुलझ गया तो अच्छे खासे पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, और इस वजह से विज्ञप्ति थोड़ी सी देरी से जो है जारी हो सकती है। तकरीबन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आपकी अगस्त 2025 में आपको रीट के बाद जो आपकी विज्ञप्ति आती है थर्ड ग्रेड टीचर की, वो अगस्त 2025 में आएगी L1 और L2 के लिए, और उसके बाद जो आपका एग्जाम है वो आपके 2025 में नहीं होगा मेन एग्जाम। मेन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा 2026 के अंदर, वो भी मई में। मई 2026 तक आपका जो रीट के बाद जो मेन एग्जाम होगा थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, L1 और L2 के लिए, वो आपको मई 2026 में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में सभी स्लॉट्स बुक हैं। थर्ड ग्रेड का एग्जाम के लिए कोई भी स्लॉट नहीं है बीच में, पहले सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा, उसके बाद सेकंड ग्रेड का होगा, और फिर आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा। बीच में RSM SSB बोर्ड ने 70 से अधिक जो भर्तियों का कैलेंडर जारी कर रखा है, उसमें जो कुछ स्लॉट खाली हैं, उन स्लॉट्स के अंदर जो आपके एग्जाम है उसमें एक तो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं जो उनका एग्जाम होगा, और साथ ही एक वाहन चालक की भर्ती है उसका एग्जाम होगा, तो मेन एग्जाम को लेकर कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, रीट पात्रता परीक्षा को लेकर जानकारी दे दी, रीट की विज्ञप्ति को लेकर जानकारी दे दी, रीट की विज्ञप्ति के बाद जो थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया,
साथ ही उसके एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।